बोलो भारत माता की जय हिंद जय कांग्रेस। मुझे आज खुशी हुई कि आज के दिन भुवनेश्वर में इतनी बड़ी संख्या में जो मीटिंग हो गई है हो रही है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। ये एक ऐतिहासिक मीटिंग है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं अब 82 साल का हो गया हूं और 82 साल में मुझे ये कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप दी गई है। मैं जब उम्र में 29 साल था उस वक्त मुझे एमएलए बनाया गया। मैं आज तक एमएलए और एमपी राज्यसभा मेंबर, एक दिन भी ऐसा नहीं गया मैं कोई एमपी या एमएलए के बगैर ना हो। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। और जो अच्छा काम करते हैं उनको हमेशा कांग्रेस देश के हित में सभी को प्रोत्साहित करती है। ये जगन्नाथ जी का पुण्य क्षेत्र है और कलिंगा भी एक बहुत बड़ा इतिहास में नाम रखने वाला ये भुवनेश्वर आज जो है इसकी भी इतिहास में भारी चर्चा है। यह हम सबका सम्मान करते हैं और सभी को हम ये जो हमारी आस्था है या आस्था में हम विश्वास रख के जो चलते हैं उन सभी को अपना और एक बार नमन करते हुए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की नजर में उड़ीसा एक विशेष स्थान था। यहां तक कि उनके जीवन का आखिरी कांग्रेस अधिवेशन उन्होंने 1964 में उड़ीसा में ही अटेंड किया। तो ये आखिरी कांग्रेस की जो यहां पर अधिवेशन हुआ, ये बहुत बड़ा अधिवेशन भी हुआ, बहुत से निर्णय भी हुए और सारे देश के जनता को अपनी आइडियोलॉजी का जो असर डालना था वो यहीं पर हुआ। इसीलिए ओडिशा महत्व का है और हमारे पार्टी से पहले जो चीफ मिनिस्टर थे बीजू पटनायक, और वो पटनायक जी नेहरू जी बहुत दोस्त थे। नेहरू जी की आइडियोलॉजी को मानने वाले पटनायक थे पहले के, लेकिन आज के पटनायक बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानने वाले। इनका ऐसा हो गया है पाप बिचारे का, पानी तेरा रंग कैसा है अगर कोई पूछे, साफ जिसमें डालो वैसा है। अगर आप हरा रंग डालो मैं हरा, पीला डालो पीला, भगवा डालो भगवा। तो ये ऐसी परिस्थिति इनकी है। अब वो पटनायक ये पटनायक की बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए जो दोस्ती, कोई बोला यहां पर हमारे इग्नोई ने बोला, अजय डॉक्टर अजय कुमार ने बोला, वो आपने आपने जरा गलत बोला कि वो दोनों हमने उन दोनों को हमने शादी करवाई बोले। अरे तुम नहीं कराए भाई, वो तो लव मैरिज कर लिए हैं। वो एक दूसरे से मोहब्बत से मिलके कर लिए,
कोई अक्षता नहीं डाला, कोई बिलाया नहीं, कोई साथ फेरे नहीं लिए, कुछ नहीं। कहां मिले वहां दोस्ती हो गई, और इसलिए दोस्ती हो गई दोनों मिलके हम ओडिशा को बर्बाद करेंगे। ओडिशा का जो ये है माइंड से दोनों मिलके बेचेंगे, अगर खाना भी है तो मिलके खाएंगे। इस वजह से उनका जो लव मैरिज है उसको तुम पक्का मत समझो, लव मैरिज में कभी कभी उल्टा भी होता है। और दूसरी चीज, मोदी जी और खासकर हमारे पटनायक जी आज के क्या पाए, ये दोस्ती करके क्या पाए आपने? अरे कभी कभी डबल इंजन फेल होती है, और डबल इंजन काम नहीं करे तो पहला इंजन भी फेल होता है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदीप पोर्ट दिया कि नहीं? प्रदीप, हाँ हाँ, और रोरकेला स्टील प्लांट किसने दिया? कांग्रेस ने दिया ना, क्या मोदी ने दिया? नहीं। और चिल्का नावल एकेडमी किसके जमाने में हुआ? और मानचेश्वर में रेल कोच फैक्ट्री हुई, कब हुई? अच्छा, एचएएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कब बने? कांग्रेस के जमाने। फिर पटनायक और मोदी ने मिलकर क्या लाया? अरे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कांग्रेस ने लाया, नेहरू जी ने लाया, और उस वक्त के पटनायक जी साथ दिए, ये काम हुआ। और आप अब क्या कर रहे हैं? बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ के पूरे जो नैसर्गिक संपत्ति है इसको लुटाने के लिए परमिशन दे रहे हैं। और कई भुवनेश्वर में एम्स, निसर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, शिक्षा संस्थान, ये सभी जो हुए हैं ये सब हमारे टाइम में हुए हैं, और ये कांग्रेस का देन है। और हमारे को बार बार पूछते हैं, मोदी जी आपके पास आके पूछे या नहीं मुझे मालूम नहीं, वो हमेशा ये कहते हैं, मोदी जी 70 साल में कांग्रेस क्या किया? अरे भाई हम 70 साल में कुछ नहीं करते, मोदी जी आप चीफ मिनिस्टर ही नहीं बनते थे। हम देश के संविधान को बचाए, देश के लोकतंत्र को बचाए, इसीलिए आप वहां हो। आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान को बर्बाद कर रहे हैं। जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके यहाँ के देश के लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, यानी सभी लोग बराबर, सबको हक, पहले नहीं था, ब्रिटिश के जमाने में था। आज नीचे से काम करने वाले एक खेत मजदूर को भी उतना ही हक है वोटिंग का, और उसकी कीमत भी उतनी है जितनी एक जमींदार की है, बड़े मालिक की है। कारखाने में काम करने वाला एक मजदूर, उसके वोट को भी उतनी ही कीमत है जितना मालिक को है। ये किसने किया? हमने किया। और आपको सभी को अधिकार दिया, महिलाओं को सुनिए, पूरे देश में 50 साल 100 साल के पहले जहां भी डेमोक्रेसी है
वहां महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। जैसा कि मनु ने महिलाओं को कमजोर करने के लिए उनका काम उन्होंने बताया सिर्फ घर में ही रहना ठीक है, लेकिन ये नेहरू जी की देन है, अंबेडकर जी की देन है। जब आपको आजादी मिली, जब संविधान बना, उस दिन से जब वोटिंग राइट आ गई, महिला को भी उसी दिन मिला। यह इतिहास है और दुनिया में कोई एक काम नहीं किया, हिंदुस्तान ने किया और हिंदुस्तान ने करके आज महिला को चाहे जिला परिषद, ग्राम पंचायत, एमएलए, एमपी, आज जो इतने लोग, बड़े बड़े लोग, महिला बहुत बड़े अपने पोस्ट पे है, ये सब हमारी देन है, कांग्रेस की देन है। और ये लोग कांग्रेस के खिलाफ रोज उठ के बोलते हैं, बड़े बड़े लोग उनके साथ है। बीजेपी के साथ, पटनायक के साथ कौन है? अमीर लोग है, अमीर लोग। और गरीबों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी हुई है। अरे यहां ओडिशा में 29% शेड्यूल ट्राइब लोग है, 16% एसटी है, एससी है, बैकवर्ड्स अधिक है। इसके बावजूद भी इन लोगों को कोई आज तक बड़ा काम नहीं मिला ये पटनायक के गवर्नमेंट में। कोई बड़ा आदमी या कई बड़े हुद्दे पे इन्होंने नहीं बिठाया। इसीलिए आप हिम्मत करो, एक हो जाओ, अपने हकूक के लिए लड़ो। मैं ये नहीं चाहता कि एक दूसरे से लड़ो, वो मोदी करते हैं डिवाइड एंड रूल, लेकिन मैं नहीं, मैं देश को एक रखना चाहता हूं। राहुल जी देश को एक रखना चाहते हैं। राहुल जी तो बोले, भाई मैं तो मोहब्बत की दुकान खोला हूं, नफरत की नहीं। लेकिन यहां बीजेपी, आरएसएस, ये तो नफरत की दुकान खोल के बैठे हैं। और वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब, खिदिरपुर। K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now